एवरीवन, तो आज मैं एक ऐसे वेजिटेबल के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो बहुत इजीली अवेलेबल है, स्टिल हमें नहीं पता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, एंड वो है स्वीट पोटैटोज। हाँ, स्वीट पोटैटोज बहुत ही कॉमनली मिल जाते हैं, पर हमें ये नहीं पता है कि उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, एंड उसके इतने सारे बेनिफिट्स है। इसीलिए आज ये वीडियो में मैं वो सब डिस्कस करने वाली हूँ। जो भी मैं बेनिफिट्स बताने वाली हूँ उसका एक साइंटिफिक रेलेवेंस है, बहुत सारे रिसर्चेस कैरी आउट हुए हैं एंड वो रिसर्चेस के बेसिस पे ही मैं ये बेनिफिट्स बता रही हूँ। सो जैसे मैंने बताया कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, उसमें है मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन सी, सेलेनियम, फास्फोरस, लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइटोकेमिकल्स भी। सो अगर मैं एक जनरलाइज टर्म कर लूँ तो स्वीट पोटैटोज हाई इन न्यूट्रिएंट्स हो गए। स्वीट पोटैटोज हमें अपने जो गट हेल्थ है उसके लिए भी हेल्प करता है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं जो अच्छे रहते हैं, जो हमें डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, एंड स्वीट पोटैटो एक ऐसा वेजिटेबल है जो ये गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। स्वीट पोटैटोज अपनी इम्यून सिस्टम भी मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि स्वीट पोटैटोज में बहुत सारे विटामिंस है, मिनरल्स है एंड ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स है, राइट? इम्यून सिस्टम को भी अच्छी रखने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए एंड स्वीट पोटैटोज में वो सब है। सो इट इनडायरेक्टली हमें हेल्प करता है। स्वीट पोटैटोज जो लोग वेट लॉस प्रोग्राम पे है उन लोग के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। लोडेड विद फाइबर्स एंड ये फाइबर्स हमें एक लॉन्गर पीरियड के लिए फुल रखते हैं। हम एक लॉन्गर पीरियड के लिए फुल रह रहे हैं तो हमें भूख कम लगेगी, हम ज्यादा स्नैकिंग नहीं करेंगे एंड वही हिसाब से हम अपना वेट को भी इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अभी ऐसी बहुत सारी स्टडीज भी आई है कि स्वीट पोटैटोज स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। स्वीट पोटैटोज में मैग्नीशियम है एंड मैग्नीशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी में कम हो जाता है जब हमें स्ट्रेस होता है। स्वीट पोटैटो स्पेशली फीमेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये हमें फर्टिलिटी बूस्ट करने में हेल्प करता है। स्वीट पोटैटो में आयरन रहता है एंड आयरन एक मेजर रोल प्ले करता है अपनी फर्टिलिटी के लिए। फीमेल्स जो PCOS, PCOD से सफर कर रहे हैं इंक्लूड स्वीट पोटैटोज अलग अलग फॉर्म में अपने रूटीन में। एंशियंट टाइम्स में डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए स्वीट पोटैटोज को यूज करते थे, पर अभी अगर हम देखें तो काफी लोग बोलते हैं कि अरे प्लीज स्वीट पोटैटो मत खाओ, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। बट अगर हम कुछ भी खाए हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ने ही वाला है। हमें क्या ध्यान रखना है कि कौन सी स्पीड से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है। स्वीट पोटैटो में अमाइलोज है एंड ये हमारा ब्लड शुगर लेवल कंपेयर टू अदर सिंपल शुगर्स बहुत ही स्लो वे से बढ़ाता है। हम कुछ भी चीज एक्सेस में ले रहे तो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है। सो हमें जो भी लेना है, हम जो भी लेते हैं हमें एक मॉडरेशन में लेना है ताकि वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहे। रिसेंटली काफी स्टडीज चल रही है टू चेक द बेनिफिट्स ऑफ स्वीट पोटैटोज फॉर कैंसर फाइटिंग या फिर अपना ब्रेन हेल्थ एंड हेयर हेल्थ के लिए एंड ऑल्सो फॉर आई हेल्थ। स्वीट पोटैटोज हम बच्चों में भी इंक्लूड कर सकते हैं, सो हम अलग अलग फॉर्म में उन लोग के लिए भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैं बहुत सारी स्वीट पोटैटोज की रेसिपीज भी शेयर करूंगी। मैंने एक रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर ली है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर लूंगी। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।